Hello guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you No Longer. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ No Longer के बारे में. तो समझते हैं इसका सबसे पहले हम लोग सिचुएशन. गाइज No Longer का मतलब होता है अब नहीं. जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. आप पहले डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, टीचर थे, लेकिन अब आपने वो प्रोफेशन छोड़ दिया. यानी अब नहीं, पहले आप थे अब आप नहीं हो. या फिर किसी काम को आप पहले करते थे अब आप उस काम को नहीं करते हो. तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है No Longer का. क्लियर हो गया. अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज कर देना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. यदि सब्जेक्ट आपका आई हो तो आई के साथ आपको यूज करना है एम. और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और सिंगुलर हो तो आपको यूज कर देना है इज. और यदि सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है आर. इसके बाद यूज करना है नो लॉन्गर. इसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. यदि कोई आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. या फिर कोई वर्ब हो तो आपको लगा देना है वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर. अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है अब मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ. आई एम नो लॉन्गर इन दिस बिजनेस. आई एम नो लॉन्गर इन दिस बिजनेस. अब वो यहाँ नहीं आता है. ही नो लॉन्गर कम्स हियर. ही नो लॉन्गर कम्स हियर. अब मैं उससे बात नहीं करती हूँ. आई नो लॉन्गर टॉक टू हिम. और यू कैन से आई नो लॉन्गर टॉक टू हर. वे लोग अब यहाँ नहीं आते हैं. दे नो लॉन्गर कम हियर. दे नो लॉन्गर कम हियर. ये हो गया गाइस आपका सेंटेंस. तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो लाइक करें. और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आसानी से आप तक पहुँच सके. थैंक यू.